आईपीएल का लीग स्टेज खत्म हो चुका है, अब शुरू हो रहा है प्लेऑफ। प्लेऑफ का आज का मैच कौन सा है भैया? चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और ये चेन्नई का होम गेम है क्योंकि चेपॉक में हो रहा है मैदान में, तो चेन्नई का जो है यहाँ पे पड़ रहा भारी। टुडेज मैच की यहाँ पे बात हो रही है, चेन्नई सुपर किंग्स भिड़ेगी रोहित शर्मा की टीम से, यानी कि धोनी और रोहित शर्मा, ये दोनों आपको आमने सामने दिखेंगे क्वालिफायर वन का ये मुकाबला जो कि चेन्नई में खेला जाने वाला है। भरत जी, मुंबई इकलौती ऐसी टीम जिसने चेन्नई को चेन्नई में हराया, आज क्या इतिहास दोहराया जाएगा जो कि कुछ ही दिनों पहले बना था, 46 रन से हारी थी चेन्नई की टीम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मैच के बारे में? देखिए ये मैं समझता हूँ कि आईपीएल का वन ऑफ द टॉप गेम्स होगा जी। जब आप क्वालिफायर स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब और वो भी कौन सी टीम आमने सामने देखे कि चेन्नई और मुंबई, जो जो आईपीएल की जो 6 टीम होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट जिस टीम को देख के आपको आएगा, दर्शक जिसके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और दर्शक सबसे ज़्यादा गेम पसंद करते हैं जी जी। वो इन दो टीमों का पसंद करते हैं और वो दोनों टीमें जो है फर्स्ट क्वालिफायर में भिड़ रही हैं, और इससे पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये गेम ऐसा है कि इसमें आप अपने आप को तोल सकते हो, आप जहाँ खड़े हो हैं आप फील कर सकते हो कि अब जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आप लीग स्टेज में गेम खेल रहे थे, कहीं ना कहीं टीमें एक्सपेरिमेंट करती थी, कोई प्लेयर उनके अगर अच्छे नहीं चलते थे चेंज करती थी, बॉलर्स चेंज होते थे है। अब जो प्लानिंग होगी वो फुल एंड फाइनल प्लानिंग है, तो आप कहाँ पे खड़े हो ये आपको देखने का मौका है, क्योंकि आप ये क्वालिफायर खेल रहे हो, जो टीम हारेगी उसको भी अभी एक मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है गेम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा इसमें, और जो मुंबई के लिए जैसे बोला जाता है कि जब मुंबई की टीम एक बार खून चख लेती है तो इसके बाद छोड़ती नहीं है, और किसी भी तरह से हम कमी नहीं बोल सकते हैं कि चेन्नई की टीम में कोई भी कमी हो, दोनों टीमें बराबर की टक्कर, कांटे की टक्कर होनी चाहिए। मैं समझता हूं सुपर गेम होगा। बिल्कुल आज होगा सुपर गेम, महामुकाबला, ऑफकोर्स क्वालिफायर वन है, यहां पर स्टेज सेट है धोनी के लिए। सबसे पहले तो आप दर्शकों को यह बता दें कि आज का जो मुकाबला है वो 7:30 बजे से शुरू होगा, ना कि 8 बजे से, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और जो भी इसके ऑर्गेनाइजर हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ड्यू का अनवांटेड फैक्टर किसी भी टीम को मिले, क्योंकि ड्यू फैक्टर एक जरूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है मैच का निर्णय बदलने में। भरत जी, आज का ये जो मैच है उसमें आपको क्या लगता है अंपायरिंग का, क्योंकि अभी हालिया में जो RCB और SRH का मुकाबला हुआ था उसमें नाइजल लॉन्ग ने, उनकी विराट कोहली से थोड़ी बहस हुई, उन्होंने नो बॉल उमेश यादव को नो बॉल बोल दिया और रिप्ले में देखा गया नो बॉल नहीं था, उसके बाद उन्होंने जाकर के दरवाजा तोड़ दिया, और नाइजल लॉन्ग जो है वो एलीट अंपायर की लिस्ट में आते हैं। कितना आपको इस बार अंपायरिंग में थोड़ा सा कमी नजर आई है, क्योंकि जाहिर तौर पर अंपायर्स ने खिलाड़ियों को नहीं चाहिए कि उनसे बहस करें, लेकिन अगर इस तरह के आप निर्णय देंगे तो फिर तो बात तो कॉन्ट्रोवर्शियल है ही, क्या कहेंगे आप? देखिए इस टूर्नामेंट में हमें 2 या 3 बार ऐसा देखने को मिला है कि जो नो बॉल है उसकी वजह से परहैप्स हमने वो गेम या तो हार गए या हम जीत गए जी। तो जब जब आपकी नो बॉल किसी मैच का निर्णय बदल देती है तब उसको लेके बहुत जो है चारों तरफ से बातें उठती है, और जरूर कप्तान और कोच को तो बहुत बुरा लगेगा ही, टीम को बहुत बुरा लगेगा ही, दर्शक भी जो देख रहे होते हैं उनके मन में आता है कि जो अंपायर की कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। जो अंपायर का स्तर होता था अंपायरिंग का वो इतने एलिट पैनल के बावजूद भी वो स्तर हमें नहीं देखने मिल रहा, अंपायर से बड़ी ऐसी गलती हो रही जो पकड़ में आ जा रही है। तो